लो भाई, शिकार तो अपने सामने ही है। उस्ताद, मुझे तो घर गरीबों वाले ही लगता है। ये इन्होंने ऐसी सजाया हुआ है, साले जब करना बेवकूफों वाली बात करना। अबे क्या पता किसी सौदेपन की वजह से सजा लिया। और डरा दिया। मैंने गलती कर दी तुम लोगों को चोरों से डकैत बना के। उस्ताद, डकैत तो जिगर वाले होते हैं। उस्ताद पीछे से आके डरा रहे, अपने अपने जज्बात भी काबू रखे, ये कुछ मैच ना हो। उस्ताद मल्लू नाम है मेरा, काम कहां तक पहुंचा? उस्ताद, उस्ताद ये एक ही घर है जिसका दरवाजा खुला हुआ है। उस्ताद मुझे तो ये मदरसा ही लगता है। रुक जाओ, शाम होने दो फिर धावा बोलते हैं। यार बंद कर दो इसे, मेरी भी सुन लो कोई। मैं भी जी। एक तो आपको सारे मसाइल ना मुझ में नजर आते, कहिए क्या बात है? मसाइल की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिस्ट बनानी है कि भाई क्या देना है रोशन को तोहफे में। है? अरे हमने रोशन को क्या देना है भाई, हमने इतनी चांद सी बेटी उसके हवाले कर दी, और क्या चाहिए। जनाब बादशाहों ने भी अपनी बेटियां रुखसत की हैं। अच्छा चलो तुम बताओ, हम रोशन को तोहफे में क्या दें? मैं बताऊं? आप पहले रोशन की अम्मी से पूछें कि वो मेरे लिए गिफ्ट में क्या लेकर आ रहे हैं। उनसे कहिएगा जब बारात लेकर आए ना तो ट्रक भर के सामान का लेकर आए, ऐसी नहीं जाने वाली मैं। ये हुई ना मेरी बेटी, हाँ। और दूसरी बात ये, आप जूनियर को बोल दे, उसने बोला था कि मुझे टाइमली बता देना वरना लेट हो जाएगा। अबे काय का लेट हो जाएगा, पैसे नहीं कमाने उसने क्या? अरे नहीं नहीं भाई, ठीक कह रही है ये, आजकल शादियों का सीजन है और ज्वेलर बहुत बिजी हैं, तो हमें वक्त पे लेना होगा ये सब कुछ चलकर। अब्बू आप मेरे साथ ज्वेलर पे चलेंगे? चांद को ले जाओ। चांद क्यों जाएगा भला? है चांद को क्या पता वहाँ का, आप चलेंगे हमारे साथ? हम हाथ चले जाएंगे यार, काम बड़े तेज है तुम्हारी वहाँ के यार। अरे यार छोड़े ना। अच्छा दिखाओ। हाँ दिखाओ। मैंने ये वाला ब्राइडल ड्रेस पसंद किया है और यही मुझे चाहिए अम्मी, अब देख लेना। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो रहा है ये कलर, मना भी कर रही थी कि मत लो। अरे भाई हम तो आपके साथ इसलिए चले गए थे सिर्फ कि कहीं आप ये ना हमें कहें कि देखो इस हालत में मुझे बच्चों ने फंसा दिया। हाँ और मेरा क्या है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ज्वेलरी की दुकान छोड़ के आप कपड़े की दुकान में घुस गई। यार मियां बस इसी चक्कर में मारा जाता है, इसीलिए मैं बहाना बना के इजी हो गया था। हाँ तुम तो बहाना बना के इजी हो गए, मैं कोई अपने शौक से गई थी क्या? तो फलक साहिबा की फरमाइशें थी कि आप मेरे साथ चलें। तो इसमें क्या गलत बात है? जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए। ओहो भाई, भाई कुड़ी की शादी है, शॉपिंग वॉपिंग तो बनती है ना? फुप्पा जी आप ना हम सबके लिए बाहरों कुछ मंगवा दें। अरे बाहर से क्यों भाई, तुम जो भी खाना चाहती हो बता दो, घर में बनवा लेते हैं। सितारा है ना, बड़ा अच्छा बनाती है सब कुछ। जी सितारा से कह दें, मुझे तो वैसे भी खिदमत खल करने का बहुत शौक है। मैं तौबा है भाई। हेलो। हाँ भाई। अब मेहताब भाजी आप तो कह रहे थे कि वो कुड़ी के नाल कोई सेट वेट बनवाना है, तो बनवाया कि नहीं? अरे बिल्किस बहुत अच्छे सेट मुझे बाजार में बने हुए ही मिल गए ना, तो फिर मैंने कहा मैं ले लूं। आप देखें तो इतने अच्छे सेट हैं, देखें। जो भी कमी बेशी होगी वो बाद में देख लेंगे, देखो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बड़ा ही खूबसूरत है। वैसे भाई साहब आपको ना घर के बाहर इतनी ढेर सारी लाइटें लगवानी चाहिए कि दूर से पता चले इस घर में ना शादी है। हाँ। ओ, शादी है भाई। शादी है, शादी है उस्ताद, शादी है भाई। अम्मी घर, अम्मी घर। बड़ी अजीब बात है, इतनी देर हो गई अभी तक कोई किचन में नहीं आया। अब तक तो बिल्किस मुमानी चार चक्कर लगा लेती, मैं जाकर देखूं। मुझे तुम्हारे साथ बैठ के रोमांस करने का कुछ शौक नहीं इस वक्त। बाहर डकैत आए हुए हैं। डाकू तुम्हारी मैं सदैव सेफ हूँ।
मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। गन और यार कैसा काम शाम चल रहा है? बहुत बुरा चल रहा है भाई, दिवाली हो गया कोई खत्म। रेमो यार देख नन्ना क्या कर रहा है। मैं नहीं जा रहा उस्ताद, जिसका काम है ना वो खुद कर लेंगे, मैं नहीं जा रहा। रेमो भाई ये तो बताइए कि आप ना मुसलमान है ना? जी बिल्कुल। तो आपको फिर नमाज का भी एहतराम होगा, देखे ना आसान हो गई नमाज पढ़ने जाना और फिर भूख भी बड़ी शदीद सी लग रही है। आप बेफिक्र हो जाएं बाजी, उस वक्त तक हम भी ऑफ कर लेंगे। अरे वो लेके जाए इन दोनों माँ बेटियों को और पंजाब का माल वसूल कर। चले बाजी उठे 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 यहाँ से उठे उठे यहाँ से। नहीं वो चले 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 मम्मी मेरी शादी हो गई या नहीं अब? हेलो जी जी इंस्पेक्टर साहब, एक वजह है ना ऐसे बोलने की, सुन ले प्लीज। हमारे घर में डकैत आ चुके हैं जी इस वक्त, प्लीज अब कब आएंगे? क्या तब तक तो ठीक है, एड्रेस भेज रहा हूं आपको। जान पुलिस आ रही है ना? नहीं अरे निको बाजी आप मलीउद्दीन, तू रशीदन खाला का बेटा मलीउद्दीन, देख रही हो किस किस तरह की रिश्तेदारियां निकल रही हैं? समझाती थी मैं, हमेशा समझाती थी खाला को कि इसे दीनी तालीम दिलवाए, तू आवारा दोस्तों में फिरता रहता था, आज बन गया ना डाकू। तौबा क्या मेरी खाला बेचारी मर गई लेकिन पीछे ये डाकू छोड़ गई, और डाके के लिए भी तुझे मिला तो मेरी मेरी नंद का घर। शर्म कर ले मैं तेरी बहन हूँ। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। डॉक्टर साहब हाय 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 हाय। डॉक्टर साहब इनके बाकी साथी अंदर है, जाओ उनको भी पकड़ कर लाओ। चला चला चलो चलो तुम दोनों। सर ये रे बाकी दो लो, सीधे खड़े रहो। बस बुड्ढे ने हमसे झूठ बोला था, इसके उसके बाकी लोग अंदर भी हैं। चलो धोखा क्या बुड्ढे ने, चलो धोखा क्या बुड्ढे ने, आगे चलो चलो। थैंक गॉड बाल बाल बच गए हम सब, मेरी वजह से हुआ बिग बी, I'm so sorry। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, शुक्र करो कि सब ठीक है। फिर भी अप्रिशिएट तो बनता है ना तुम्हारा जान, तुमने इतने टाइम पे पुलिस को कॉलिंग की। Well, thank you so much, लेकिन अप्रिशिएट करना सितारा का ज्यादा बनता है, पुलिस को बुलाने का उसी ने कहा था। अरे भाई बच्चों की समझदारी की वजह से ना बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है, हमारे लिए यही काफी है, जिसने भी किया हो है